Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. Welcome friends, self adhyayan par last series mein humne dekha tha question mein uske answers ko main aaj upload karne wala hu. Aap isko डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकल समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. उसके बाद आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं. आंसर के लिए आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक पे एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उससे आप उसको डाउनलोड करने के बाद मैच कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांजेक्शन कैसे करनी है. HDFC बैंक का लेजर, ICICI बैंक का लेजर हमें बनाना है. वहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम मिस्टर राजीव और अकाउंट्स नंबर IFSC कोड ब्रांच के साथ डाल देना है. यहाँ पर चेक रेंज भी मेंशन है. सबसे पहले हम डाल देते हैं एक लेजर HDFC बैंक का. HDFC बैंक बैंक अकाउंट में लेते हुए हमें उसकी डिटेल्स डाल देनी है. अकाउंट होल्डर नेम मिस्टर राजीव के नाम से अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें IFSC कोड डालना है. सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर अगर आपका IFSC कोड में मिस्टेक होती है तो फिर वो गलत बताएगा. एज़ पर PDF आपको डाल देना है. देन आपको यहाँ पर चेक बुक का स्टेटस को यस सेट रखना है. यहाँ पर 102 101 से लेकर 102 150 तक हमें डालते हुए चेक नंबर को पास करा देना है. ओपनिंग बैलेंस अभी हमें कुछ नहीं रखना है. उसके बाद ICICI बैंक का लेजर हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में. सारी डिटेल भरने के बाद चेक बुक को हमें यहाँ पर यस कर देना है और चेक नंबर 201101 से 201150 तक ये भी हमें डालते हुए पास करा देना है. अब ऑनर ने एज अ कैपिटल इसमें जो इन्वेस्ट करा है फर्म में, उसके लिए हमने एक कैपिटल का लेज़र बना दिया है और एक रिसिप्ट वाउचर को हमने यहाँ पर पास कर देना है. अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F6 के अंदर कैपिटल 7.5 लाख, कैश ले लेना है एज अ हमें यहाँ पर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें कैश 2.5 लाख रुपए से, HDFC बैंक 3 लाख रुपए और बाकी का जो अमाउंट है वो हमने ICICI बैंक में रखा है. 3 लाख रुपए से हमें लेना है. देन यहाँ पर 2 लाख हमारा ICICI बैंक में. तो ये हमारी एक एंट्री हो चुकी है रिसिप्ट की. यहाँ पर मेहता एंड सन्स से हमने कुछ परचेज करा है और 1 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन हुई है. आइटम्स के नाम यहाँ पर मेंशन है ट्रैक सूट, वाटर प्यूरीफायर, 3 पीसेस सूट लेंथ और ट्रैक सूट. लेकिन ऊपर कुछ कंडीशंस हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 12% हमारा GST अप्लाई होगा और जो प्रोडक्ट हैं गारमेंट्स के अगर वो 1000 रुपये से नीचे हैं तो 5%, अदरवाइज 12%. तो हमें गारमेंट्स रिलेटेड आइटम्स के अंदर ही टैक्स डालना होगा अकॉर्डिंग टू आइटम प्राइस. यहाँ पर हम पहले लेज़र बना लेते हैं. हमने CGST, SGST और IGST के लेजर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं. राउंड का एक लेजर बनाया है और यहाँ पर परचेज सेल भी ऑलरेडी बना हुआ है. अब पार्टी का नाम डाल देते हैं सबसे पहले मेहता एंड सन्स, जिससे हमने परचेज करा है सनड्राई क्रेडिटर में रखते हुए. यहाँ पर लोकल है तो स्टेट दिल्ली, उसके बाद GST नंबर डालते हुए हम यहाँ पर इसे पास करा देंगे. सीधे हम चलते हैं अकाउंट्स ग्रुप जो हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री इन्फो के अंदर. हमने यहाँ पर सबसे पहले तो डाल दिया है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर नीचे ही हमने टैक्स रेट पास करा दिया है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए 12%. गारमेंट का भी हमने ग्रुप बना दिया है लेकिन हमने यहाँ पर इसमें GST डिटेल नहीं फीड करी है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू आइटम हम पास कराने वाले हैं. तो पहले यहाँ पर यूनिट्स ऑफ मेज़र हम बना देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर एक एक करके आइटम डालेंगे. सबसे पहले हम आइटम डाल देते हैं गारमेंट्स से रिलेटेड ट्रैक सूट, और जैसा कि हमने GST डिटेल आइटम के अंदर ही यस रखना है. ऑन वैल्यू की जगह हमें लेना है ऑन आइटम रेट, 1000 रुपये तक हमारा 5% और उससे ऊपर हमारा 12%. इसको हमें पास करा देना है. अगला आइटम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जिसको हम यहाँ पर पास करा देते हैं. वाटर प्योरीफायर डालने के बाद हमें इसे ले लेना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर और यूनिट्स पीसीज लेते हुए यहाँ पर पास कराना है. इसमें कोई हमें GST डिटेल नहीं डालनी है क्योंकि इस पर ग्रुप के अंदर ही हम टैक्स डाल चुके हैं. उसके बाद अगला आइटम 3 पीसीज सूट लेंथ का, जिसे हम गारमेंट्स में लेते हुए पास कराएंगे और GST डिटेल भी यहाँ पर यस सेट रखना है क्योंकि आइटम रेट के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स चार्ज होने वाला है, 1000 रुपये से ऊपर 12% और उससे कम 5%.
फिर हमारा नेक्स्ट आइटम ट्रैक सूट मीडियम में, उसको भी हमें गारमेंट्स में लेते हुए जीएसटी डिटेल को सेट करना है आइटम रेट के अकॉर्डिंग, 1000 रुपये तक 5% और उससे ऊपर हमारा 12%। तो ये सभी चीज़ें हमने पास करा दी है, उससे नीचे भी कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं जो हमने दूसरी पार्टी से खरीदे हैं गुप्ता एंड सन से, इनकी भी पहले आइटम एंट्री को हम पास करा देते हैं। बाबा सूट जो कि गारमेंट्स में लेते हुए यहाँ पर हमें जीएसटी डिटेल भी डालनी है ऑन आइटम रेट के अकॉर्डिंग, 1000 रुपये तक हमारा 5% और इससे ऊपर होने पर हमारा 12%, ये हमने यहाँ पर फीड कर दिया है। सेम एज अगला आइटम यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हमने ऑलरेडी बना रखा है और टैक्स उसमें ऑलरेडी डिफाइन है। उसके बाद टू पीसेस सूट लेंथ, इसे भी हमने गारमेंट्स में लेते हुए पास कराना है, इसका टैक्स भी हम आइटम रेट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, 1000 रुपये से नीचे 5% और 1000 रुपये से ऊपर 12%। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, हमने सिंपल आइटम बनाए हैं और कुछ लेजर्स हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप देखना चाहें यहाँ पर हमने CGST, SGST, IGST ये बनाया हुआ है, राउंड का एक लेज़र बना रखा है। सीधे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और F9 प्रेस करते हुए 1 जुलाई को हमने पहली ट्रांजेक्शन करनी है। जो ट्रांजेक्शन मेहता एंड सन्स से हमने की है, परचेज किया है ट्रैक सूट के, हमने यहाँ पर पीसीस परचेज करे हैं। यहाँ पर हमने सारी जो एंट्री दी गई हैं PDF में वो पास कर ली हैं एज़ पर रेट जो भी मैंशन था और क्वान्टिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें CGST और SGST ले लेना है, उसके बाद हमारा डेसिमल में अमाउंट आ रहा है तो हम इसमें राउंड का लेज़र भी पास करा देंगे। ईवे बिल को नोट सेट रखते हुए हमने ये ट्रांजेक्शन पास करा दी है। यहाँ पर मेंशन है कि हमने इसकी पेमेंट जो है आधी ICICI बैंक से पे कर दी है, तो इसका हमें F5 में एक ट्रांजेक्शन पास करना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में F5 प्रेस करते हुए मेहता एंड सन्स जो कि 1,07,896 रुपये, कंट्रोल एन से हमने इसका कैलकुलेटर ऑन करते हुए इस अमाउंट को 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी कि 53,948 रुपये का हम पेमेंट कर रहे हैं और ICICI बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एंट्री हमने पास कर दी है सक्सेसफुली। उसके बाद हमने गुप्ता एंड सन्स से ट्रांजेक्शन की है हरियाणा, जो कि IGST एप्लीकेबल है, 2 जुलाई को की है और इसका भी भुगतान हमने 50,000 रुपये करा है, लेकिन 50,000 रुपये में से आधा भुगतान HDFC बैंक से और आधा नगद करा है। तो सबसे पहले लेज़र बना लेते हैं। यहाँ पे गुप्ता एंड सन्स का हमने एक लेज़र बनाना है सनड्राई क्रेडिटर के रूप में, स्टेट ले लेना है हरियाणा और GST नंबर यहाँ पर डालते हुए सेव करा देना है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F9 में हम फिर से ट्रांजेक्शन करने वाले हैं 2 जुलाई को। गुप्ता एंड सन्स से हमने जो प्रोडक्ट खरीदे हैं उनकी एंट्री यहाँ पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर सारी एंट्री जो भी हमने गुप्ता एंड सन्स से परचेज करी थी वो आइटम चढ़ा चुके हैं। CGST हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन थी। और उसके बाद राउंड का हमने ऑलरेडी लेज़र बनाया हुआ है, हमने इस अमाउंट को राउंड कर दिया है। ईवे बिल को नो सेट रखते हुए हमने ये इनवॉइस पास कर दी है। उसके बाद F5 में हमने पेमेंट कर गुप्ता को हमने ट्रांजेक्शन जो करनी है 50,000 रुपये से, आधा पैसा तो हम बिल के अगेंस्ट पे कर रहे हैं 25,000 के रूप में कैश और HDFC बैंक से 25,000 रुपये। तो टोटल दोनों ट्रांजेक्शन जो भी हमने परचेज की थी उसकी कुछ पेमेंट भी हम यहाँ पर चढ़ा चुके हैं। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। हमने जो प्रोडक्ट बेचा है जैक्सन को, US में बेचा है 1 अगस्त को, करेंसी का रेट भी यहाँ पर मेंशन है 74.30 रुपये। और हम अपनी कंपनी में ऑलरेडी फीचर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं करेंसी को F11 F1 प्रेस करते हुए। यहाँ पर हमें जैक्सन का लेज़र बना, अकाउंट इन्फो लेज़र क्रिएट, जैक्सन का लेज़र बनाने के बाद हमें इसे रखना है सन्ड्री डेटर के रूप में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद एक लेज़र और हम बना देंगे, फॉरेक्स लॉस या प्रॉफिट जो भी निकल के आएगा वो हम यहाँ से मेंशन कर लेंगे। फिलहाल तो हम दोनों ही लेज़र बना देते हैं, फॉरेक्स लॉस और फॉरेक्स गेन इनडायरेक्ट इनकम के रूप में। यहाँ पर करेंसी का रेट भी हमें पास कराना होगा, करेंसी पहले बनानी भी होगी डॉलर के रूप में, और डॉलर के रूप में बनाने के बाद हमें इसका रेट ऑफ एक्सचेंज भी डालना है। यहाँ पर 74.30 रुपये के हिसाब से, जो कि हमारा 1 अगस्त को रेट है, ये लेते हुए हमने इसको पास करा दिया है। पास कराने के बाद हमें ट्रांजेक्शन करनी है F2 से डेट बदलते हुए 1 अगस्त को,
ट्रांजैक्शन F8 के अंदर पास होगी। जैक्सन को हमने प्रोडक्ट बेचा है, सेल करा है, तो सारे एस पर प्राइस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जो PDF में थे। तीनों आइटम को हमने यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद हम यहाँ पर IGST अप्लाई करेंगे। $8,400 का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बेचा है। उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट बेचा है, उसकी एंट्री हमें डालनी है जो कि सूरज शर्मा को हुई है। ऑल्ट सी से सूरज शर्मा का हम एक लेज़र डाल देंगे सनड्राई डेटर में। दिल्ली लोकल ट्रांजैक्शन और यहाँ पर GST नंबर डालते हुए इसे पास करा देंगे। अब हमें यहाँ पर वो लिस्ट डालनी है जो जो हमने प्रोडक्ट सेल करे हैं। यहाँ पर सारे की सारे ट्रांजैक्शंस डालने के बाद हमें जो टैक्स लगाना है, उसके बाद देखना है कि अमाउंट हमें राउंड भी करना है, तो राउंड का लेज़र हमने ऑलरेडी बना रखा है। सारी एंट्रीज हम डाल चुके हैं सेल्स से रिलेटेड। अब पार्टी से पैसा जो रिसीव कर रहे हैं, F6 ट्रांजैक्शन हमें दबाना है। यहाँ पर सूरज वर्मा से हमें पैसा मिल रहा है ₹15,000 और हम उसे डिपॉजिट करा रहे हैं ICICI बैंक अकाउंट के अंदर। तो सूरज से जो पैसा मिला है वो हमें सीधे ICICI बैंक में डिपॉजिट करने के लिए F6 में वाउचर पास करना है, रिसिप्ट वाउचर। सूरज का एंट्री लेते के बाद हमें यहाँ से ₹15,000 का डाल देना है ICICI बैंक अकाउंट में। तो ये हमारा डिपॉजिट हो चुका है जो भी सूरज से पैसा मिला है। उसके बाद हमें जो जैक्सन से पैसा मिल वो $8,400 तो मिल रहा है, लेकिन INR जो है वो कम हो चुके हैं ₹73.70 के हिसाब से। 2 सितंबर को हमें वो अमाउंट रिसीव हो रहा है। तो ट्रांजैक्शन डेट आप बदल सकते हैं F2 से 2 सितंबर को हमें जैक्सन से $8,400 जो रिसीव हो रहे हैं उनका जो करेंसी अमाउंट है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमें वो अमाउंट को चेंज कर देना है। उसके बाद जो हमें पैसा रिसीव हुआ है वो HDFC बैंक में रिसीव हुआ है अमाउंट ₹73.70 के हिसाब से। तो जो भी एडजस्टमेंट हमारी अब लॉस की होगी, पहले हम उसे देख लेते हैं अकाउंट इन्फो लेज़र। लेज़र के अंदर जैक्सन के लेज़र में ₹5,040 का हमें फोरेक्स लॉस हुआ है क्योंकि हमारे INR कम हो चुके हैं। तो इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो के वाउचर टाइप के अंदर ऑल्टर पे आपको जाना है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करेंसी चैप्टर के अंदर जनरल में आपको जाते हुए, क्योंकि फॉरेक्स लॉस ही हमारा निकला है। तो लॉस का हमें क्लास बनाते हुए उसकी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है फॉरेक्स लॉस को लेते हुए। इसका हम एडजस्टमेंट एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर F7 बटन को प्रेस करते हुए पास कराएंगे। फॉरेक्स लॉस सिलेक्ट कर लेना है, जितना भी लॉस है वो ऑटोमेटिकली जैक्सन की एंट्री पास कराते हुए हमारा एडजस्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस में भी देख सकते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करने के बाद आप देखेंगे फॉरेक्स लॉस आपको दिख रहा है। अब जो हमारी आखिरी एंट्री बची है उसमें गुप्ता एंड सन्स को हमने रिजेक्ट करे हैं कुछ प्रोडक्ट, वो एंट्री कर लेते हैं। F11 F1 को प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पर F11 F2 से डेबिट नोट क्रेडिट नोट को हमें यस सेट रखना होगा क्योंकि रिटर्न की एंट्री हमें करनी होगी Ctrl F9 के अंदर। अगर आपका एंट्री मोड आता है तो आप Ctrl V से उसे चेंज कर सकते हैं। गुप्ता एंड सन्स को हमने जो रिटर्न करा है बाबा सूट और LG इलेक्ट्रॉनिक कैटल, वो डालते हुए IGST ट्रांजैक्शंस लेते हुए हम इसे पास करा देंगे। तो फाइनली हम अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट हमारी आ रही है ₹14,17,032। अपना नेट प्रॉफिट की बात करें तो ₹5,34,524.81। अपना ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो ₹14,66,702.05। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात करें आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल तो ₹5,375। पेबल की बात करें तो ₹82,039.70। और हम यहां पर अपना फोरेक्स लॉस पहले ही देख चुके हैं। सेल परचेज की बात करें तो अकाउंट्स बुक के अंदर हम टोटल सेल और टोटल परचेज भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी फाइनल आंसर की लिस्ट। कैश बैलेंस, HDFC बैंक बैलेंस, ICICI फॉरेक्स लॉस, आउटस्टैंडिंग पेबल रिसीवेबल, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सेल्स बुक, परचेज बुक, नेट प्रॉफिट और ड्यूटीज एंड टैक्सेस का अमाउंट। इसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए आपको समझने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।